आज IHM हमीरपुर का 11वां वार्षिक उत्सव उड़ान 2023 बुधवार को संस्थान के परिसर में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ADC जितेंद्र संस्था ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई देते हुए जितेंद्र संस्था ने कहा कि IHM हमीरपुर ने अल्प अवधि में ही कई बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग एक पहचान बनाई है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कई युवा विश्व के नामी होटलों और पर्यटन उद्योगों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस संस्थान के विद्यार्थियों की 100% प्लेसमेंट हो रही है तथा उन्हें अच्छे पैकेज भी मिल रहे हैं। इस अवसर पर IHM विभाग अध्यक्ष पुनीत बंटा ने ADC का स्वागत किया तथा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जबकि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सहित देश के भिन्न भिन्न राज्यों की संस्कृति और अन्य गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी की स्पॉन्सरशिप के लिए गोल्डन ट्यूलिप का आभार व्यक्त किया। मैनेजमेंट हमीरपुर में आज एनुअल डे फंक्शन मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी एनुअल डे फंक्शन मनाया गया और इसमें बच्चों द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज की गई। साथ ही साथ जो हमारे जो एकेडमिक विनर्स होते हैं या फिर एक्स स्टूडेंट्स भी कुछ आते हैं और जो प्रीवियस बैचेस के टॉपर हैं उनको भी इस एनुअल डे के दिन सम्मानित किया जाता है। बच्चों द्वारा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ IHM के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक हमीरपुर में एक लौता इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, जहाँ पर बच्चे जो हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं और हमारी जो प्लेसमेंट है हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पर लगभग 100% ही है। और इनफैक्ट जो 40 बच्चे प्लेस हुए उनके पास 56 कॉल लेटर्स हैं, मतलब एक बच्चे कई बच्चों के पास एक से ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं। और बड़ी बड़ी जो हमारी चेन्स ऑफ होटल्स हैं, ओब्रॉयज की बात करें या ताज करें, लीला पैलेसेस की बात करें, ये सारे जो हैं बड़े बड़े होटल चेन ऑफ होटल्स हैं ये यहाँ पर आए हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर प्लेस हुए हैं। और एक विशेष बात IHM के बारे में अगर कहूं कि अभी तक जैसे हमारी डिग्री इग्नू के द्वारा दी जाती थी, जो भी बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करते थे उनको BSc की डिग्री इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू दी जाती थी, लेकिन इस बार नेशनल काउंसिल जो है हमारा उन्होंने एक एग्रीमेंट MOU साइन किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ। तो अब से जो भी बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, जो इस साल एडमिशन होंगी और जो 3 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी BSc की, और जो 4 साल लगाएंगे बच्चे उनको BSc ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो डेफिनेटली जो फ्यूचर में बच्चों को इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हम जानते हैं कि भारत की जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, और अगर उनका सर्टिफिकेशन के साथ बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो उनको भी आगे जॉब प्लेसमेंट्स में और फ्यूचर में बहुत बहुत उनको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।